स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 जो करीब 1918 से 1920 तक चली थी, जिसे हम इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918 भी कहते हैं, और इस पेंडेमिक डिजीज ने करीब उस टाइम वर्ल्ड की 1/3 जितनी पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था, और इस डिजीज के कारण करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। और ये डिजीज हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट डिजीज में से एक है, क्योंकि इस डिजीज से अफेक्ट हुए 10% जितने लोग मारे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर इस डिजीज के पीछे की ओरिजिन जानेंगे और इसके कॉजेज जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि इसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा। सो लेट्स जंप इनटू इट। स्पेनिश फ्लू का साइंटिफिक नेम H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है, और मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स का तो यही मानना है कि इस डिजीज की ओरिजिन अमेरिका के मिडवेस्ट के किसी फार्म हाउस में हुई थी, और ये धीरे धीरे पूरे अमेरिका में ये डिजीज फैल गई। और जब वर्ल्ड वॉर वन के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स ने दूसरे कंट्री के सोल्जर्स के साथ वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया, तब उन सोल्जर्स में भी ये बीमारी फैल गई। और 1918 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तब वो सोल्जर्स अपने कंट्री को शिफ्ट हुए, और इस वजह से फैमिली इंटरेक्शन के कारण धीरे धीरे ये डिजीज़ पूरे वर्ल्ड में फैल गई। और अब आप यहाँ ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इस डिजीज़ की ओरिजिन अमेरिका में हुई है, तो हम इसे स्पेनिश फ्लू क्यों कहते हैं, हमें तो इसे अमेरिकन फ्लू कहना चाहिए ना। तो मैं आपका वो डाउट भी यहाँ क्लियर ज़रूर करता हूँ। दरअसल वर्ल्ड वॉर वन के कारण ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूएस जैसी कंट्रीज ये नहीं चाहती थी कि इस बीमारी के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता चले, इसलिए उन्होंने इस बीमारी को सीक्रेट रखा ताकि सोल्जर्स का मोरल बूस्ट होता रहे। वहीं इसके ऑपोजिट साइड स्पेन, जो कि एक न्यूट्रल कंट्री था उस टाइम, उसने इस बीमारी के आउटब्रेक के बारे में पूरे वर्ल्ड को अवेयर किया। और यहाँ तक कि स्पेन के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, जैसे कि अल्फोंसो जो स्पेन के किंग थे उस टाइम, वो भी इस डिजीज से इन्फेक्टेड हो गए थे। इस वजह से ये सारी चीज़ देखते हुए ब्रिटिश मीडिया ने इस वायरस को स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया। बहुत बार हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी डिजीज़ स्प्रेड होती है, तब उस डिजीज़ से बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन इस डिजीज़ के केस में 20 से 30 साल के लोगों को ये डिजीज़ बहुत ही खतरनाक तरीके से इन्फेक्ट कर रहा था, जिसका मतलब साफ था कि उस समय जवान लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा था इस पेंडेमिक डिजीज़ के कारण। इस महामारी को कंट्रोल में लाने के लिए ड्रास्टिक मेजर्स लिए गए थे अमेरिका के द्वारा, जैसे कि स्कूल्स को शट डाउन कर देना, थिएटर्स को क्लोज्ड कर देना, और बहुत सारे शहरों में तो ट्रैवल पर बैन लगा दिया गया था। और न्यूयॉर्क जैसी सिटी में अगर कोई पब्लिक में छींक भी देता था, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत बड़ा फाइन लगा देती थी, पनिशेबल फाइन। और बहुत सारी बिल्डिंग्स को तो तत्काल में हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करना पड़ा था, यहाँ तक कि बहुत सारे मिलिट्री कैंप्स को भी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था, और बहुत सारे शहरों में परमानेंट लॉकडाउन हो गया था। ऐसे में शहर ऐसा दिखता था मानो जैसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही छा गया है। इस महामारी का पूरी दुनिया पर बहुत ही नेगेटिव असर रहा था, और इसकी वजह से पूरी दुनिया भर में बहुत सारे लोग मारे गए थे। जितने लोग एड्स नाम की बीमारी की वजह से पिछले 24 सालों में नहीं मरे होंगे, उतने लोग इस बीमारी की वजह से सिर्फ 24 हफ्तों में ही मर गए। और तो और अमेरिका पे इस बीमारी का बहुत ही बुरा असर हुआ था, क्योंकि अमेरिका में इस बीमारी की वजह से 675,000 जितने लोग मारे गए थे, जो उस टाइम के हिसाब से अमेरिका की करीब रफली 5% जितनी पॉपुलेशन के आसपास थी। और रही बात हमारे प्यारे भारत की, तो हमारे प्यारे भारत पे भी इस बीमारी का बहुत ही नेगेटिव असर रहा था, क्योंकि हमारे इंडिया में ये बीमारी बॉम्बे पोर्ट के द्वारा एंटर हुआ था, और हमारे भारत में इस बीमारी की वजह से करीब 1 से 2 करोड़ जितने इंडियंस की डेथ हो गई थी। और इस वजह से 1921 में जब सेंसस हुआ, तब हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी बाकी ईयर्स की कंपेरिजन में। वैसे आज के समय तो पूरा वर्ल्ड इस बात को लेकर बहुत ही ध्यान देता है कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी पेंडेमिक डिजीज़ आती है, तो उसे किस तरह टैकल किया जाए। लेकिन आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आने वाले समय में ऐसी कोई बीमारी आएगी, तो हम उसे किस तरह टैकल करेंगे। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।